हाउसिंग मिनिस्ट्री ने बनाई 10 अधिकारियों की कमेटी, कहा श्रमिकों के लिए किराए के घर का निर्माण करें। हाउसिंग मिनिस्ट्री ने एक पैनल को स्थापित किया है जो अभिनव तरीके से कंस्ट्रक्शन कर्मियों के लिए किराए के आवास को विकसित करेगी। करीबन 20,000 करोड़ रुपए इस समय सरकार के पास अप्रयुक्त है। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद केंद्र और राज्य में 10 अधिकारियों की समिति गठित की गई। रेरा के पूरी तरीके से लागू होने के बाद भी महंगे हो जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम। रियल एस्टेट कानून रेरा 1 मई से लागू हो गया है और अभी तक केवल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन नियमों का पालन किया है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि सप्लाई के कम होने से एवं जमीन की कीमत बढ़ने से प्रॉपर्टी के दामों में उछाल देखा जा सकता है। हालांकि रेरा के पूर्ण रूप से अमल होने के बाद भी घरों की डिमांड बनी रहेगी। वित्तीय वर्ष 2017 में पुणे शहर में देखी गई नए घरों के लॉन्च में 11% की गिरावट। रियल एस्टेट कानून रेरा के आ जाने से और साथ ही साथ नोटबंदी की वजह से पुणे में वित्तीय वर्ष 2017 के दूसरे भाग में 5.8% की गिरावट देखी गई नए घरों के लॉन्च में पिछले साल के मुकाबले। नोटबंदी के दौरान नए यूनिट्स के लॉन्च में 16% की गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से इस साल मार्च के अंत तक कुल मिलाकर 11% की गिरावट को डेवलपर्स को झेलना पड़ा। नागपुर शहर में 58 बिल्डिंग ऐसी है जिनमें बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में ये माना गया है कि करीबन 58 बिल्डिंग्स ऐसी है शहर में जिनके ऊपर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। शहर में नवनिर्मित सीमेंट सड़कों की बढ़ती ऊंचाई घरों में जल समस्या को खराब कर सकती है। NMC ने सभी निवासियों को बाढ़ के समय सावधान रहने को कहा है। किफ़ायती घरों के खरीदारों के लिए बढ़ सकता है ऋण। गृह ऋण पर जोखिम भार को कम करने के RBI के फैसले से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मामूली तौर पर ऋण देने में वृद्धि हो सकती है और वे किफ़ायती घरों के खरीदारों को कर्ज देने में मदद कर सकती है। विश्लेषकों एवं व्यापारियों का मानना है कि केंद्रीय बैंक का ये कदम सकारात्मक है, मगर इसके चलते गृह ऋण में ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं देखी जाएगी।